जय हिंद। मेरा नाम डॉक्टर जय सिंह है और आज मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी पर मानव की जीवन की शुरुआत कैसे हुई है। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारी जो पूरी की पूरी जो यूनिवर्स है वह आज से 15 अरब साल पहले बना था और हमारी जो गैलेक्सी है जिसका नाम मंदाकिनी है वह आज से 12 अरब साल पहले बना था और हमारा जो सोलर सिस्टम है वह आज से लगभग 5 अरब साल पहले बना था। तो उसी दौरान पृथ्वी भी बनी थी। पृथ्वी की आयु के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी लगभग 4.6 अरब साल पहले बन करके तैयार हुई थी। यह शुरुआत में आग का गोला थी। धीरे 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 यह ठंडा होते होते एक ऐसा समय आया कि यह इतना ठंडा हो गया कि इसमें जीवन की शुरुआत हो गई और आज से लगभग 3.8 अरब साल पहले यानी कि 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा उल्कापात होता था। उल्कापात इतने ज़्यादा होता था कि पृथ्वी पर बहुत जगह पर गड्ढे गड्ढे बन चुके थे। तो उसी दौरान उसी उल्का से वो कहीं से चल के आया था। आजकल सोलर सिस्टम में अगर आप उल्का का पूरा क्षेत्र देखेंगे तो आपको बृहस्पति और मंगल के बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पेटी मिलेगी। शायद वहीं से उल्का आया हो और पृथ्वी पर गिरा हो और उस उल्का में बर्फ के क्रिस्टल थे, साथ ही उसमें खनिज भी था, उसमें कार्बन भी थे, उसमें प्रोटीन भी थे। और वह उल्का जब पृथ्वी पर गिरता है तो वह सारे पदार्थ पृथ्वी पर भी आ जाता है और इससे पृथ्वी पर एक जीवन की शुरुआत हो जाती है। जैसे बर्फ के क्रिस्टल से समुद्र बनने लगते हैं और कार्बन से खनिज से नाइट्रोजन बनने लगते हैं, उससे प्रोटीन्स बनते हैं, उससे और भी जटिल पदार्थ बनते हैं जिससे जीवन की शुरुआत होती है। तो इस पृथ्वी पर सबसे पहले आज से 3.5 अरब साल पहले समुद्र के अंदर में एक कोशिकीय जीव जिसको कहते हैं बैक्टीरिया उसका जन्म होता है और उस बैक्टीरिया से धीरे धीरे सरल रूप से बहु कोशिकीय जीव और बहुत ज़्यादा जटिल जीवों की उत्पत्ति होती है। हम लोग बहु कोशिकीय जीवों में आते हैं। मानव आज के मानव को होमो सेपियंस कहते हैं। इसकी उत्पत्ति आज से 40,000 साल पहले हो चुकी थी। तो उसी क्रम को आज हम लोग देख रहे हैं। तो हमारी जो शुरुआत हुई है यानी मानव के जाति की उत्पत्ति की जो शुरुआत हुई है यह इसकी कहानी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। लगभग आज से 10 करोड़ साल पहले मंगल और बृहस्पति के बीच में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक बेल्ट है जिसको एस्ट्रोइड बेल्ट कहते हैं। उसी बेल्ट के अंदर में बहुत सारे एस्ट्रोइड्स हैं। तो उसके अंदर में कुछ एस्ट्रोइड्स आपस में टकरा जाते हैं और वहां से एक टुकड़ा टकराने के बाद जब उनका विखंडन होता है तो एक टुकड़ा वह पृथ्वी की तरफ आने लगता है और वह धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है और पृथ्वी पर आकर के वह गिरता है। कहाँ पे गिरता है? वह इस क्षेत्र में गिरता है। ये जो अमेरिका आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मेरे पास ग्लोब है, ये आप देख रहे होंगे कि ये अमेरिका है, यहाँ मैक्सिको है। तो यही मैक्सिको की खाड़ी में आकर के एक बहुत बड़ा एस्ट्रोइड गिरता है, उसका नाम था इजिप्टा। जब वह पृथ्वी से आकर टकराता है तो पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े हलचल पैदा कर देता है। वह क्या होता है आप देखिए कि वह 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर आ गया। तो उसी दौरान डायनासोर्स और बड़े बड़े आर्कियोप्टेरिस रहा करते थे, ऐसे जीव थे जो उड़ते थे, बहुत बड़ी बड़ी पक्षियां हुआ करते थे। उन सब का विनाश हो गया। जब वह गिरता है उल्का तो पृथ्वी पर 11.1 का तीव्रता का भूकंप पैदा हो जाता है, जगह जगह सुनामी पैदा हो जाते हैं, जगह जगह जो है वह विनाश शुरू हो जाती है, कई जगह पे प्लेट का संचलन शुरू हो जाता है। इस पूरे पृथ्वी पर एक नए टोपोग्राफी का निर्माण होने लगता है, कई जगह पर्वत बनने लगते हैं। जैसे हमारे देश के उत्तर में आप देखते हैं कि नेपाल में हिमालय है, तो ये बॉर्डर आपका देख रहे होंगे चीन और भारत के बीच में एक नेपाल है, यहाँ पे हिमालय पर्वत है। उसकी उत्पत्ति आज से 6.5 करोड़ साल पूर्व हुई मानी जाती है, 6.5-7 करोड़ साल के आसपास। उससे पहले हिमालय नहीं था अपने जगह पे। जब यह प्लेट आप देख रहे हैं इंडियन ऑस्ट्रेलियन मेडागास्कर प्लेट है जो दक्षिण में है और एक पूरा का पूरा यूरेशियन प्लेट है, जब ये दोनों एक दूसरे के पास आने लगते हैं तो बीच का जो स्थलखंड है जियोसिंक्लाइन जिसको कहते हैं टेथिस सागर, उससे बना था जियोसिंक्लाइन और उसी से हिमालय का उत्पत्ति हो जाता है, उसके बीच के मलबा ऊपर उठ जाता है। तो इससे पूरे पृथ्वी पर टोपोग्राफी में अंतर आने लगता है। आल्प्स पर्वत भी उसी दौरान बनता है, ऐसे ऐसे एंडीज पर्वत भी, ऐसे ऐसे रॉकी पर्वत, तो पूरे पृथ्वी पर टोपोग्राफी में अंतर आ जाता है। इससे क्या है कि हवाओं का क्रम बदलने लगता है। हवाओं का क्रम जब बदलेगा तो मौसम बदल जाएगा और इस तरह से पूरा का पूरा पृथ्वी पर एक बदलाव आने लगता है। तो धीरे धीरे
सारी पृथ्वी पर मौसम में बदलाव आता है। जब उल्कापात हुआ था, जब ये इजिप्टा नाम का बहुत बड़ा उल्का पिंड एस्टेरॉयड जब टकरा गया था पृथ्वी से, उस समय बहुत गर्मी हुआ था। कहा जाता है कि उस समय पृथ्वी की जो गर्मी है 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था और जीवों का रहना वहां मुश्किल हो गया था। तो उस समय 25 किलो से ऊपर वाले लगभग सारे जीव मर गए और जो बचे वह 25 किलो से कम वजनी जीव थे, जो खास करके बिल के अंदर रहते थे। वह बिल के अंदर रहने वाले जीवों से ही मैमल्स का उत्पत्ति हुआ है। वही मैमल्स मतलब स्तनधारी, और उसी स्तनधारी से प्राइमेट का विकास होता है, मतलब जो बंदर है, जो गोरिल्ला है, जो औरंग उटान है, उन सब का विकास होता है। वह एक क्रम से चलता है, धीरे 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 वो उसका विकास होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इओसीन काल में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर पैदा होते हैं और प्लायोसीन काल में प्राइमेट पैदा होते हैं, जिसमें वानर आते हैं, लंगूर आते हैं, गोरिल्ला आते हैं, चिंपांजी आते हैं, औरंग उटान होते हैं, ये सब। अब जब प्राइमेट होते हैं तो प्राइमेट का काल होता है 360 लाख वर्ष पूर्व, मतलब 3.6 करोड़ साल पहले। इनके शरीर पे बहुत बड़ा बड़ा बाल होता है, यह पूरी तरह से जंगली वानर होते हैं। इसमें मानव के लक्षण बहुत कम नगण्य होता है। इनके मुंह के अंदर में जो दांत है उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है। तो धीरे धीरे जब इसका क्रम आगे की ओर बढ़ता है तो इससे एक नए इवोल्यूशन होता है, उसको होमिनॉइड कहते हैं। होमिनॉइड आज से 240 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पे आ चुके थे और वह चौपाए थे, मतलब चौपाए थे, वह ऐसे चलते थे, है ना, मनुष्य की तरह खड़े हो, सीधे खड़े होकर के नहीं चलते थे। हम लोग हाथ से नहीं चलते हैं, हम लोग दो पैर से चलते हैं, ये हाथ हम लोगों के लिए दूसरा काम करता है। तो ये जो है होमिनॉइड, यह चौपाए थे। होमिनॉइड के अंदर में एक परिवर्तन होता है, कहा जाता है कि उनके गर्दन के नीचे इधर फोरमेन मैग्नम होता है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको मस्तिष्क के साथ जोड़ने वाला एक जगह है, उसको फोरमेन मैग्नम कहते हैं। वह धीरे धीरे शिफ्ट होकर सेंटर पर आ जाता है, जैसे आप गाय में देखते होंगे, बकरी में देखते होंगे, वो ऐसे रहता है, तो वह जो है वह सेंटर पे नहीं होता है, वो ऊपर है, और जैसे ही पीछे से सेंटर पे आ जाता है तो वह सीधा खड़ा होने लगेगा। उसके बाद होमिनिड पैदा होते हैं, जो 64 लाख वर्ष पूर्व पैदा होते हैं, वह दो पैरों पर चलते हैं, क्योंकि अब ये सीधा हो सकते थे, इनका फोरमेन मैग्नम जो है वो सेंटर पे आ चुका था। और इनकी जो पैदाइश होती है, कहा जाता है कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के आसपास ही ये पैदा हुए थे, मतलब मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो अफ्रीका में हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ग्लोब, इसमें आप देखते हैं अफ्रीका या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हुई थी। कहा जाता है कि वानर, गोरिल्ला, औरांग उटांग यहीं पे हुए थे और बाद में जब मानव का विकास हुआ होमिनिड के रूप में तो वह अफ्रीका में ही हुए थे। रिफ्ट वैली यहीं पे है, आप ये सामने देख रहे होंगे, रिफ्ट वैली है ये, यहीं पे एक पर्वत पैदा हुआ था। जब बहुत ज़्यादा हलचल पैदा हुआ तो जब वह पर्वत ऊपर उठ गया तो इधर के जो मानसूनी हवाएं थी उसको रोकने लगा। रोकने से के कारण क्या हुआ कि इस साइड में सूखा पड़ गया, इतनी ज़्यादा इसमें शुष्कता आ गई कि ये सूखा पड़ गया। अब जो यहाँ पे जो होमिनिड रहा करते थे उनके खाने की कमी हो गई, अब वो खाने के लिए क्या करेंगे, उनको वृक्षों से नीचे उतरना पड़ेगा, जो पेड़ पर रहते हैं उनको नीचे उतरना पड़ेगा। अब जब वो नीचे उतरते हैं तो वह दौड़ना भी शुरू करते हैं, वो सीधा चलना भी शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनके शरीर का ढांचा बदलने लगता है और उनका विकास होने लगता है, उनका हाथ और मजबूत होने लगता है। फिर कैसे कैसे होता है वो आपको अभी हम बताते हैं। तो अफ्रीका को कहा जाता है क्रेडल ऑफ मैनकाइंड, मतलब ये जो है ना ये मानव की उत्पत्ति का महाद्वीप है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि होमिनिड जो है, जो 64 लाख वर्ष पूर्व पैदा हुआ था, इसमें दो शाखाएं बन जाती है बाद में। तो दो शाखाएं कौन कौन विकसित होती है, एक है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जो 56 लाख साल पहले इस पृथ्वी पे आ चुके थे, वह दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में पैदा हुए थे। ये दक्षिण अफ्रीका देख रहे हैं आप, इसमें हम दिखाते हैं, ये देखिए पूरा महाद्वीप है, यहाँ दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल यहीं पे है, आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांसवाल है, तो वहीं पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस का सबसे पहला अवशेष मिलता है। तो वो 56 लाख वर्ष पूर्व पैदा हुए थे और 13-14 लाख वर्ष पूर्व पूरी तरह से गायब हो गए, वो अब नहीं मिलते हैं। उसके बाद होमो वंश का उत्पत्ति होता है, होमो 25 लाख साल पहले पैदा होते हैं और उसमें तीन शाखाएं होती हैं होमो वंश में। तो होमो
में एक है होमो हैबिलिस जो 22 लाख वर्ष पूर्व इस धरती पे आ गए थे, और होमो हैबिलिस की विशेषता ये थी कि वह पत्थर के औजार बना सकते थे, मतलब वह शिकार करना उनके लिए थोड़ा आसान हो गया था क्योंकि वह पत्थर को औजार के रूप में प्रयोग करने लगे थे। फिर उनका शारीरिक बनावट में भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। उसके बाद होमो इरेक्टस आ जाते हैं, वह 18 लाख साल पहले आते हैं इस धरती पे, और वह आग का आविष्कार करते हैं, मतलब आग के आविष्कार करने का श्रेय होमो इरेक्टस को जाता है। उसके बाद आग के आविष्कार करने से फायदा क्या हुआ कि जो मांस वह कच्चे खाते थे उनको चबाने में समय लगता था, खाने में भी टाइम लगता था, फिर जब उसको खाते थे जब उनके शरीर के अंदर में जाता था तो उनको पचाने में टाइम लगता था, उनकी बहुत सारी ऊर्जा उनके खाने को पचाने में खर्च हो जाती थी, दिमाग चलाने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचता था, बहुत कम ऊर्जा बचता था। तो बाद में जब आग का आविष्कार हो गया तब जो खाना वो खा रहे थे उसको पका के खाते थे, तो एक तो वह जल्दी जल्दी खाने लगे और दूसरी है कि उनके शरीर के अंदर में जो खाना गया वह जल्दी जल्दी पच जाता था, मतलब वह खाना जल्दी जल्दी पचने के कारण उनका ऊर्जा बहुत ज्यादा बच जाता था, वह ऊर्जा उनके मस्तिष्क में लगना शुरू हो गया, वह अब दिमाग से काम लेना शुरू कर दिए, वह योजना बनाते थे, योजना बना के शिकार करने लगे, वह कल्पनाओं का आविष्कार कर लिए, वह तरह तरह के चीजों को बारे में सोच सकते थे, वह कल्पना कर सकते थे, उन चीजों के बारे में सोच सकते थे जिसके बारे में वो कभी जानते नहीं है, किसी के बारे में सुना नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो अब शक्तिशाली होते जा रहे हैं, उनके दिमाग का कैपेसिटी बढ़ते जा रहा है। उसके बाद पैदा होते हैं सेपियंस, आज से 8 लाख साल पहले। वो सेपियंस जो है वह सेपियंस बड़े बुद्धिमान होते हैं, कहा जाता है कि इनके मस्तिष्क का जो सीसी है और बढ़ जाता है, इनकी कैपेसिटी और ज्यादा हो जाती है, और ये सामूहिक शिकार तो करते ही है, इनके पास ये सारी विशेषताएं होती है, ये विकसित मानव उसके बाद बनता है। आज से लगभग 40,000 साल पहले होमो सेपियंस हो जाते हैं, यानी कि बुद्धिमान मानव इस धरती पे पूरी तरह से प्रकट हो जाते हैं। उनकी शुरुआत सेपियंस से ही हो जाती है, 8 लाख साल पहले से ही। कहा भी गया है, एक बहुत बड़े दार्शनिक है युवाल नोआ हरारी, उन्होंने कहा है कि आज से लगभग 2 लाख साल पहले ये जो पूरी पृथ्वी है उस पर कम से कम 9 या 10 प्रजाति रहा करते थे मानवों की, आज हम सिर्फ अकेले बचे हुए हैं होमो सेपियंस के रूप में। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज से 1 लाख साल पहले कम से कम 6 प्रजाति था इस धरती पे मानवों की, लेकिन 5 प्रजाति विलुप्त हो गया, सिर्फ होमो सेपियंस बच गए। अब पता नहीं हमारे पूर्वजों ने उनके साथ क्या किया था, शायद उनका सामूहिक नरसंहार कर दिया कि वो जलवायु के साथ एडजस्ट नहीं किए। डार्विन ने तो कहा भी है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अब वो सर्वाइव नहीं कर पाए इस एनवायरमेंट में कि सामूहिक रूप से उनका जो है उनका संहार कर दिया गया सेपियंस के द्वारा। ये तो रिसर्च की बात है, ये सामने आती रहेगी। आप थोड़ा और इसमें ये समझ लीजिए कि हमारे देश में एक द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप यहाँ पे देखेंगे, अंडमान निकोबार यहाँ पे एक सेंटेनली द्वीप है, सेंटेनली। आज से लगभग 1,20,000 साल पहले यहाँ मानव पहुंच गया था, और सेंटेनली आज भी रहते हैं, आज भी अगर कोई सामान्य व्यक्ति यहाँ पे जाता है उनके क्षेत्र में तो वो तीर धनुष से हमला कर देते हैं, आज भी वह प्राचीन ढंग से जी रहे हैं एकदम, ये अभी भी अनसिविलाइज्ड स्थिति में है, तो यहाँ जब भी जाए घूमने के लिए तो एकदम सतर्क रहिएगा। तो 1,20,000 साल पहले यहाँ भी आ गए, उसी तरह से सेपियंस जो है वो अफ्रीका से चल करके आज से 30,000 साल पहले वह यूरोप में भी पहुंच जाते हैं और यहाँ पे पूरी सभ्यता का विकास करते हैं, यहाँ गुफा में चित्रकारी करते हैं, स्टाल्डेन गुफा मिला है वहाँ पे, कहा जाता है कि मानव बड़ी विकसित हो गया था 30,000 साल पहले, वह चित्रकारी भी करता था 30,000 साल पहले, वो कल्पनाओं को कर सकता था। उसके बाद धर्म बनाता है, उसके बाद पैसे का आविष्कार होता है, उसके बाद बड़े बड़े कॉरपोरेशंस का आविष्कार होता है, ऐसे ऐसे चीज़ें बनाई जाती है जिसके बारे में वो पहले कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसके बाद वह समूह में रहने लगता है, संस्कृति का विकास करता है, सभ्यता का विकास करता है, और आज से कहा जाता है कि कम से कम 50,000 साल पहले इन्होंने भाषा का आविष्कार कर दिया, यानी भाषा पहले नहीं था, जब उनके शरीर के अंदर में लैरिंग्स का विकास होता है, लैरिंग्स यहाँ पे होता है वो बोलने में सहायता करता है, तो आज से लगभग 1.25 लाख या 1.5 लाख पहले उनका लैरिंग्स का विकास होता है, तब जाकर के वह बोलना शुरू करते हैं, और जब बोलना शुरू करते हैं
तो कुछ दिनों तक बोलते रहते हैं, उसके बाद 50,000 साल पहले भाषा का भी विकास हो जाता है, वह एक तरह से लैंग्वेज बना लेते हैं और उस भाषा में वो बातचीत भी करने लगते हैं, तो इस तरह से उनका विकास और ज़्यादा होता है और उस तरह से सामूहिकता में रहने लगते हैं। तो आज से 10,000 साल पहले होलोसीन काल चलता है, उस होलोसीन काल में मानव कृषि करना शुरू कर देता है। जब कृषि करना शुरू करता है तो और ज़्यादा उनका विकास शुरू हो जाता है। हालांकि आपको हम बताएंगे कि कृषि से सिर्फ विकास ही नहीं हुआ बल्कि बहुत सारा विनाश भी हुआ। कृषि कार्य करने से क्या हुआ कि इस पूरे पृथ्वी पर बहुत सारे जैव विविधताओं को हमने नष्ट कर दिया, हमने 90% जैव विविधताओं को, जंगलों को साफ कर दिया, उनका सामूहिक विनाश कर दिया एक तरह से। और हम अब तो और ज़्यादा विनाश कर रहे हैं, धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, धीरे धीरे ग्लेशियर्स जो है इसके पोल पे वो पिघल रहे हैं, उनका जल जो है वो समुद्रों में इकट्ठा हो रहा है और भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र डूबते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एक तरह से हम लोग इकोलॉजिकल टेररिस्ट बनते जा रहे हैं, बन ही गए हैं। जब अगर हम अपने इस गोला की रक्षा नहीं किए, अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम नहीं किया, हमने ओजोन परत की रक्षा नहीं की, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ठीक से उपाय नहीं किया, तो एक न एक दिन ऐसा होगा कि हम ही अपने हाथों इस पूरे पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। तो हमें इस पे बारे में सोचना ही चाहिए और इस पे विचार मंथन करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे भी आगे का वो देखेंगे। तब तक के लिए आपको हम छोड़ते हैं। जय हिंद।